नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। आज जो है नामांकन के अंतिम दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिंगरौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह ने सैकड़ों प्रत्याशी के साथ जो है नामांकन किया। इसको ये लोग पूर्ण कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया। और आज जो है मेढ़ौली में जो रेट मिल रहा है वो सर्वदा सबसे अधिक है जो हमने किया। और यही सारे मुद्दों को लेके यहाँ रोजगार के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, प्रदूषण एकदम मस्त बना हुआ है, डेली यहाँ जो है गाड़ियाँ बढ़ रही हैं लेकिन रोड सड़क NH 39 की भी यही हाल है। आज 15 साल से बन रही है लेकिन नहीं बन पाई, जबकि समस्त बन गई। यहाँ से रीवा का जो कैमोर पुल है वो बन गया, भुगता बन गया, लेकिन ये जो है यहाँ की NH 39 नहीं बन पा रही है। इसका मुख्य से यहाँ के नेताओं का ही रहा और वो आज फिर इस मैदान में है और देख रहे हैं कि जनता क्या करती है। अभी DMF का फंड सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आप विधायक बन के आते हैं तो DMF फंड के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले अगर विधायक जनता चुन के भेजती है तो मैं जो हमारे क्षेत्र में पंचायतें हैं मैं और जिला है जो नगर पालिका है DMF फंड मैं सिंगरौली जिले में ही लगाऊंगा और एक भी सिंगरौली जिले से बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जो लोग यहाँ से DMF फंड, चूंकि यहाँ के पब्लिक का वो अधिकार है, पहला अधिकार है कि DMF फंड यहाँ की कनौ पंचायतों और नगर पालिकाओं यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हो। जो यहाँ हम अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि पहले यहीं उसका उपयोग किया जाए और यहाँ के विकास होने के बाद ही अन्य जिलों की ओर ध्यान दिया जाएगा।